मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। 48,091 अफराद मुतासर, 24 घंटे में 2,193 मरीज सामने आ गए हैं। 11,000 के करीब जेर इलाज, 14,000 से ज्यादा ने वबा को शिकस्त। मुल्क भर में कोरोना टेस्टिंग में रिकॉर्ड इजाफा, 24 घंटों में 15,300 से ज्यादा टेस्ट करवाए गए। 1,000 से ज्यादा अफराद जान से गए। सिंध में 316, पंजाब 397, खैबर पख्तूनख्वा 351, इस्लामाबाद 10, बलोचिस्तान 38, गिलगित बल्तिस्तान में 4 और आजाद कश्मीर में 1 जान की बाजी हार गया। हमारे मामला तय हो गए हैं, जो इस पे अभाम था। गाड़ी चलाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, जो दोस्त भी सड़कों पे गाड़ी चलाना चाहे हमारी तरफ से बिल्कुल उसको इजाजत है। ट्रांसपोर्टर्स मन गए, सूबे पंजाब में मुसाफिर गाड़ियां चलाने का ऐलान। जीटी रोड पर पंजाब और मोटरवे पर वफाकी हुकूमत के एसओपी पर अमल दरामद किया जाएगा। कोरोना ने बच्चों की ईद भी खराब कर दी। गार्डियन कोर्ट ने बच्चों के वालदैन से मुलाकातें मंसूख। 800 से ज्यादा वालदैन बच्चों से नहीं मिल सकेंगे। नाराज वालदैन के बच्चे ईदी से ही महरूम रहेंगे। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान की सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुलाकात। अमन अमन को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। सऊदी अरब का लॉकडाउन के बाद ईद की नमाज मसाजिद में ना पढ़ाने का फैसला। फजर की नमाज के आधे घंटे बाद ईद का खुतबा जिक्र के जरिए सुनाया जाएगा। हर मिनट इसके साथ साथ सिर्फ आइमा और खादिमैन नमाज अदा कर सकते। भारत की शरणगेजियों से कोई भी महफूज नहीं। भारतीय शहरी गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके मुल्क में कोरोना फैलाने में मुलव्वस है। नेपाल के वजीर आजम के एपीओ का इंकशाफ। इसराइल के सवाल की सदाएं तिल्ले अभी में सुनाई दे रही हैं। आर्मी जुमल कुछ की आमद पर ईरान के मुसल्ला अफवाज के सरबराह जनरल बाकी का पैगाम। और बरतानिया में इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा। लबनान का अंशा तलबा आया हाशिम को सरिया गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। बरतानिया में मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी में शरीफ हम गुस्सा।